हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए 107 रुपए के आसपास जो शेयर ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से गिरावट के बाद हल्की सही सही लेकिन थोड़ी सी तेजी यहां पर जरूर देखने को मिली है। एक बड़े से लेवल से शेयर गिरकर नीचे जरूर आया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरीदारी करना यहाँ पर कितना सही रहेगा और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब क्या करना चाहिए। तो देखिए वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स अभी 107 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 3.5% की यहाँ पर गिरावट जरूर है। आप देखिए कहाँ पे शेयर था, 111 रुपए के ऊपर था, गिरावट आई 94 तक पहुंचा, तेजी 104 तक गया, वापस गिरावट 98 तक गया, वापस तेजी 109 रुपए तक शेयर जरूर पहुंचा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में टाटा मोटर्स में 28 और 29% तक की गिरावट है। 200 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर रहा था लेकिन कोविड के चलते ऐसी गिरावट आई कि 65 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया रैली आई, शेयर पहुंच गया 115 पर, वापस गिरा, वापस तेजी आई, वापस गिरा, वापस तेजी आई। 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में टाटा मोटर्स के शेयर में 76% की गिरावट है। 465 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। 465 रुपए तक का हाई और 65 रुपए तक का लो है। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में टाटा मोटर्स के शेयर में 29% की गिरावट है। तकरीबन 600 रुपए तक का हाई है, 65 रुपए तक का लो है। 10 साल का सबसे बड़ा लो भी इन्होंने इसी वक्त बनाया हुआ है, इसी वक्त इन्होंने इतना बड़ा लो बनाया हुआ है। लार्ज कैप स्टॉक है, 33,330 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसका एनएससी में देखें तो 6.5 करोड़ जितना इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 16.84% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.14% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.94% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 27.19% की होल्डिंग है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है जिनके पास 44.10% जितनी होल्डिंग है यहाँ पर और तकरीबन 4% जितनी होल्डिंग इनके द्वारा गिरवी भी है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया, 490 जितने एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है जिनके पास 5.32% जितनी होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.18% के आसपास में देखने को मिल रही है और एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि 2016 से इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है। आखिरी बार डिविडेंड 2016 में पे किया था, वो भी 20 पैसे का डिविडेंड पे किया था। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए थोड़ी अच्छी जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोगों का यहाँ पर खरीदने की राय है, 10% लोगों की बेचने की राय है, 12% लोगों की होल्ड करने की राय है। मतलब 90% लोगों का कहना है कि भैया खरीदारी की है तो बने रहो और खरीदना चाहते हो तो खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टाटा मोटर्स अगर हम यहां पर देखें तो मार्च क्वार्टर के नतीजे बहुत बुरे थे, 9,670 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। इससे पहले दिसंबर में 1,950 करोड़ का प्रॉफिट भी था, उससे पहले सितंबर में 175 करोड़ का प्रॉफिट इनको जरूर हुआ था, उससे पहले 3,434 करोड़ का लॉस था। देखिए मार्च में कोविड के चलते इनको नुकसान जरूर हुआ है और हो सकता है कि जुलाई महीने में ये नुकसान इनको थोड़ा और ज्यादा भी झेलना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि शायद एक अच्छी शुरुआत की हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। कोविड-19 जैसे खत्म होगा मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल जाएगी। हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 2-3 साल से काफी ज्यादा प्रेशर में रहा है, 3 साल से मतलब 2.5 साल से एक शेयर काफी ज्यादा प्रेशर में रहा है पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और उसमें टाटा मोटर भी शामिल है। और अगर एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जब ये गिरावट आई थी, अगर हम बात करें पिछले 1 साल की, तो जब ये गिरावट आई थी ठीक है, तो इससे पहले भी ये गिरावट थी, शेयर टूट रहा था, 110 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में एक रैली आई, शेयर कुछ ही एक दो दो महीने 3 महीने के अंदर डबल पैसा कर दिया क्योंकि रिपोर्ट आ रही थी कि जीएलआर जो है वो प्रॉफिट कर रहा है। टाटा मोटर्स की ये इतनी बड़ी गिरावट की वजह जेएलआर थी क्योंकि जेएलआर में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, टाटा मोटर्स के काफी ज्यादा पैसा वहां पे जल रहा था, लेकिन उसके बाद तेजी आई क्योंकि जेएलआर प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन कोविड के चलते इतनी बड़ी गिरावट आ गई कि संभलना तक मुश्किल हो गया क्योंकि जेएलआर का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो चाइना और यूरोपियन कंट्रीज है और वहीं पर कोविड ने हाहाकार मचा के रखा हुआ है। इंडिया में टाटा मोटर्स की अच्छे खासे सेलिंग है लेकिन कोविड के चलते यहाँ पर भी हालत कुछ ठीक नहीं देखने को मिल रही है। तो बिजनेस काफी मंदा चल रहा है लेकिन धीरे धीरे तेजी की उम्मीद हम यहाँ पर जरूर कर सकते हैं।
मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, काफी काफी बड़ा ब्रांड है। जेएनआर भी एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा ब्रांड है। जैगुआर लैंड रोवर प्रीमियम कार्स मानी जाती है, ठीक है, और उनका काफी बड़ा एक मार्केट भी है चाइना और यूरोप में। ये गाड़ियां काफी पसंद भी की जाती है, तो धीरे धीरे जब मार्केट खुलेगा मुझे लगता है कि शेयर में हम एक तेजी की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि इसको पिकअप करने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इस बीच तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल जब तक यहाँ पर चलता रहेगा, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लंबी दूरी के निवेशक हैं, आपका कम से कम यहाँ पर निवेश करने का 1-1.5 साल का नजरिया है, तो आप यहाँ पर बने रहे, पैनिक में आकर निकलने की जरूरत नहीं है। जरूर आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर जरूर होगा, तो बने रहे यहाँ पर। और अगर गिरावट आती भी है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो जरूर करें, लेकिन एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की यहाँ पर गलती बिल्कुल भी मत करना। एक साथ सारे के सारे शेयर्स मत खरीदो, छोटी छोटी क्वांटिटी में निवेश करो। जब जब गिरावट आए तब तब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाओ, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की यहाँ पर गलती मत करना। शेयर में प्रेशर जरूर रहेगा, अभी भी मैं कह रहा हूँ, शेयर ऐसा नहीं कि रॉकेट की तरह उछल जाएगा, जी नहीं, प्रेशर जरूर रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि कोविड के चलते हम सबको पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की उतनी जल्दी सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली है, वक्त लगेगा उसको उभरने में। तो तब तक आप छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते जाओ, एक साथ सारे के सारे शेयर्स मत खरीदो। और इतनी बड़ी गिरावट टाटा मोटर्स में मुझे नहीं लगता कि कोविड के संभलने के बाद कभी आ सकती है। मुझे लगता है कि उसके बाद शेयर में एक बड़ी रौनक आपको देखने को मिल जाएगी। मार्केट में आज बहुत सारे शेयर्स हैं जिसमें बहुत बड़ी गिरावट है, और उन शेयर्स को गिराने में कोविड का सबसे बड़ा हाथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो शेयर अब तक काफी अच्छे खासे रिटर्न आपको दे चुका होता। ओवरऑल खरीदारी की है तो बने रहो, और गिरावट आए तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक साथ सारे के सारे शेयर्स एक ही प्राइस पर खरीदने की गलती मत करना। एसआईपी मोड में छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते रहना। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।